वेलकम टू शिवम क्लासेस धनबाद। मैं अक्षय, आपको जो एलपी का सेशन चल रहा था, जो कि अब जो हमारा सेशन होगा। हेलो फ्रेंड, वेलकम टू शिवम क्लासेस धनबाद। मैं अक्षय, आपको जो मैथ्स का क्लासेस लेके आ रहा था, अब जो क्लासेस होगा वो रेलवे के सभी एग्जाम्स के लिए होगा। जैसा कि आप देख पाए होंगे डिजिटली बोर्ड पे, कि ये जो क्लासेस होगा, जो रेलवे एलपी, रेलवे टेक्नीशियन, एसआई कांस्टेबल और मिनिस्ट्रियल के जो आने वाले वैकेंसी है, साथ में ग्रुप डी और अभी जेई रेलवे की जो भी वैकेंसी आने वाले सभी के लिए होगा। और मैथ्स का सबसे आसान और फास्ट सॉल्यूशन करवाया जाएगा। तो आपको ये सेशन कैसा लगेगा, या कमेंट बॉक्स में जो भी बताइएगा। इसमें जो भी क्वेश्चन लिए गए ना, पीवाईक्यू सेशन लिए गए हैं, इसलिए मैंने लिख दिया है इसके रेलवे पीवाईक्यू सेशन 2024। इस वजह से मैंने इसका वो नाम दिया है। तो चलिए आप स्टार्ट करते हैं। इसमें जो भी क्वेश्चन आएंगे वो पीवाईक्यू में पूछे गए हैं, पहले रेलवे के एग्जाम में पूछे गए हैं, या फिर सीबीटी 1 में हो या सीबीटी 2 में हो, वैसा ही क्वेश्चन का मैंने लिया है। और कंप्लीट वीडियो आपको कैसा लगेगा आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, कि मतलब ऐसा सेशन अच्छा लगा तो इससे क्या है, मोटिवेशन मिलता है और मैं ऐसे ही वीडियो को कंटिन्यू करने वाला हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चंस आएगा, क्वेश्चंस देखिए, जैसा कि ये फर्स्ट क्वेश्चंस है, फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, फर्स्ट जो क्वेश्चंस है वो आपके पास, वो क्वेश्चंस है कि देखिए, चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है कि एक तान्या नाम की लड़की है, क्या है, एक तान्या नाम की लड़की है जिसके वेतन वेतन में 15% की इंक्रीमेंट होता है, वृद्धि होता है, और उसका बढ़ा हुआ वेतन कितना हो जाता है, बढ़ा हुआ वेतन दिया हुआ है जो कि आपका हो जाता है 14,300 रुपया, उसका मूल वेतन पूछा गया है। देखिए इसका कैसे बनाएंगे, तान्या का जो वेतन, जब भी किसी भी चीज का इंक्रीमेंट दिया जाए तो हम उसको बनाते कैसे हैं। जैसे हम मानेंगे कि तान्या का जो बेसिक पेमेंट है, बेसिक बेसिक सैलरी तान्या का है, वो हम मान चलते हैं कि 100 है, 100 तान्या का बेसिक सैलरी है, और उसके सैलरी में इंक्रीमेंट कितना होता है, उसके सैलरी में इंक्रीमेंट होता है 15% का, 15% का जैसे इंक्रीमेंट होगा, अब उसका सैलरी कितना हो गया, 115 जो है तान्या का सैलरी हो गया, और इसी सैलरी बढ़ा हुआ सैलरी इसी 115 का जो वैल्यू है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दिया हुआ है, जो कि दिया हुआ है 14,300 रुपया, इसी का वैल्यू दिया हुआ है। तो हम उसी क्वेश्चन को ऐसे लिखेंगे कि जो 14,030 रुपये जो है वो 115 का वैल्यू है, आपसे तान्या का वैल्यू 100 का वैल्यू पूछा गया है, यही तान्या का मूल वेतन हो जाएगा, और जो पहले का वेतन है यही वेतन हो जाएगा। तो हम इसको बनाएंगे कैसे, देखिए अब इसको सॉल्व करना सबसे बड़ी बात है, कि आप इसको सॉल्व कैसे करेंगे। सबसे आसान वे है इसका सॉल्व करने का, जो कि है डिजिटल सम। अगर किसी को डिजिटल सम आता है तो आप डिजिटल सम सॉल्व कीजिएगा, और कमेंट बताइएगा किनको किनको डिजिटल सम आता है, नहीं आता है तो आप बताइएगा, मैं एक डिजिटल सम का एक क्लासेस लेके आ जाऊंगा, जिससे आपको डिजिटल सम कंप्लीट पता चल जाएगा, डिजिटली सम से कैसे मैथ के क्वेश्चन को करते हैं। तो चलिए अब इसको देखते हैं डिजिटली सम कैसे लेते हैं। डिजिटल सम का मतलब है प्रत्येक डिजिट का सम, हर डिजिट को जोड़ना है। जैसे इसी डिजिट को जोड़ते हैं, तो एक 5, 5, 3, 8, ऊपर में संख्या 8 आया, नीचे जब जोड़ेंगे तो कितना आता है, 5 और 2, 7, नीचे 7 आता है। बेसमेंट में हमको 1 बनाना पड़ता है, 1 कैसे बनेगा, जब इसी संख्या को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे वाला संख्या कितना होता है, 28 हो जाएगा, जिसका डिजिटल सम 1 है। ऊपर वाली सेम संख्या को भी हम से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। 32 का डिजिटल सम कितना होता है, 3 + 2, कितना होगा, 3 + 2, 5, हम वही आंसर होगा जिसका डिजिटल सम 5 होगा। तो हम देखते हैं कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ऑप्शन के अकॉर्डिंग किसका डिजिटल सम 5 है, इनका डिजिटल सम कितना है, 3, 1, 2, 1, 3, 3, 4, 7, इसका डिजिटल सम 7 है, जो कि नहीं होने वाला है। इसका डिजिटल सम कितना है, 2, 1 और 2,
ठीक हो गया, इसका डिजिटल सम 3 है, जबकि डिजिटल सम 5 वाला आंसर होने वाला है। इसका डिजिटल सम चेक करते हैं, 2 2 4 1 5, इसका डिजिटल सम 5 चाहिए, हो सकता है आंसर एक ऑप्शन और बचा हुआ है वो देखते हैं। इसका है 6, इसका डिजिटल सम 6 है जो कि ऑप्शन नहीं होने वाला है। इसका आंसर होने वाला ऑप्शन डी जो कि हो जाएगा 12,200। ये डिजिटल सम से आप सॉल्व करते इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि काफी अच्छा सॉल्यूशन होगा। क्वेश्चन तो बना लीजिएगा, सबसे बड़ा मैटर होगा इसको कट करना, काटना, छोटे टर्म में लाना, इसको आंसर में निकालना कि 12,200 आने वाला है। इसका जो एक्चुअली आंसर हो जाने वाला है वो आंसर हो जाएगा 12,200 रुपया। तो आप इस क्वेश्चन को ऐसा सॉल्व कर सकते हैं। आपको ये कैसा लगा सॉल्यूशन कमेंट में जरूर बताइएगा, आपको ये सॉल्यूशन कैसा लगा। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है किसी, जैसे देखिएगा किसी परीक्षा में चरण ने 54 अंक प्राप्त किए, जो कुल अंकों का कितना 72% है, तो कितने मार्क्स का एग्जाम हुआ था वो आपसे पूछा गया है, कुल मार्क्स की संख्या कितनी है। ठीक है, क्वेश्चन में बोला गया है किसी एक विद्यार्थी ने पर्टिकुलर नंबर दिया जाएगा और उसके साथ बोला जाएगा वो उसका परसेंटेज है, साथ में कितने मार्क्स का एग्जाम हुआ था। कोई भी मार्क्स का एग्जाम होता है वो 100% होता है। ठीक है, किसी एग्जाम में जब एग्जाम होता है ना, हम लोग को मार्क्स भी जो मिलता है वो एग्जाम का 100% का मार्क्स मिलता है। तो हम इस क्वेश्चन को भी वैसे ही बनाएंगे कि जैसा देखेंगे कि उन्होंने कितना नंबर प्राप्त किया है, उन्होंने 72% मार्क्स प्राप्त किया है जो कि आपका क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 54 है। ठीक है, और कोई भी एग्जाम है जो 100 मार्क्स का होता है तो 100% का वैल्यू निकालेंगे। तो हम कैसे निकालेंगे, 54 जो है वो 72 का वैल्यू है, आपसे 100 का वैल्यू पूछा गया है। आप बेसिक बस इसको काट दीजिए, जो ऐसा आने वाला है वो लिख दीजिएगा। पहले हम इसको 9 से काट लेते हैं, 9 6 54, 8 9 72, और उसके बाद हम काटेंगे, ये हो जाएगा 2 बार में काटेंगे, इसको काटेंगे 3 बार में, और 25 से इसको काटेंगे 25 100, आंसर क्या आने वाला है 3 × 25 जो कि आपका हो जाएगा 75। तो कुल एग्जाम कितना मार्क्स का था, 75 मार्क्स का। मैं इसको अच्छे से लिख देता हूँ, 75 मार्क्स का एग्जाम था, कुल मार्क्स का संख्या कितना था 75। आपको ये सॉल्यूशन कैसा लगा, आप बस इसको इक्वल कीजिएगा, 100 मार्क्स का निकालिएगा, आप इजीली बना सकते हैं। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा वो क्वेश्चन है नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है आपका, मैं चलता हूँ अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन दिया गया है कि एक वेट शामिल है, देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन आप पढ़ सकते हैं, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वेट शामिल करने पे एक टेलीविजन का जो प्राइस है वो 14,000 हो जाता है, और वेट का अमाउंट दिया हुआ है, रेट ऑफ दिया हुआ है 12% है। देखिए होता क्या है, वैट गवर्नमेंट टैक्स लेती है, रिप्रेजेंट में सभी चीजों पे हमको देना पड़ता है जीएसटी। कभी कभी आपको ऐसा ही क्वेश्चन जीएसटी के फॉर्म में आ जाएगा, बोला जाएगा इसका एक मूल्य है, ठीक है, इसका प्राइस दिया है, उस पर 18% का जीएसटी है या 28% का जीएसटी है, और आफ्टर जीएसटी प्राइस इतना हो जाता है, तो उस मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कितना था उसका। ठीक है, अब इसको ऐसे बना सकते हैं, तो इसको कैसे, इस क्वेश्चन को आप कैसे समझिएगा, इसको बनाना कैसे हुआ मैं बताता हूँ। देखिए कोई भी प्रोडक्ट जो बनता है वो 100% कॉस्टिंग के साथ बनता है, कोई भी प्रोडक्ट जो बनता है किस कैसे बनता है, 100% कॉस्टिंग के साथ, 100% कॉस्टिंग के साथ। जब इस पे वैट हम शामिल कर देते हैं तो वो सेलिंग के लिए तैयार रहता है, वेट कितना है 12% का, अब वो सेलिंग के लिए रेडी है, कितना में, 1 1 2 में 12 आपसे पूछा गया है 100 का वैल्यू, क्योंकि 100 होता है मैन्युफैक्चरिंग को बेस प्राइस, 100 का वैल्यू पूछा गया है, आप बस इसको इजीली निकाल सकते हैं। निकालना थोड़ा सा, काटना थोड़ा सा हार्ड है, तो हम जहां पे हार्ड होगा हम डिजिटल सम लगाएंगे, डिजिटल सम वापस लगाइए, ऊपर में डिजिटल सम कितना होता है 5 आया, नीचे डिजिटल सम कितना है 4 है। अब इसको 1 बनाने के लिए इसको 7 से मल्टीप्लाई कीजिए, ऊपर भी 7 से मल्टीप्लाई कीजिए, ऊपर आएगा 35 35 35 35 का डिजिटल सम 8, आंसर वही होने वाला है जिसका डिजिटल सम 8 है। हम देखते हैं किसका डिजिटल सम 8 है, जैसे ऑप्शन 1 में हम चलते हैं, ऑप्शन 1 का डिजिटल सम कितना है 2 1 3 है डिजिटल सम, ऑप्शन डी का डिजिटल सम कितना है
चार है डिजिटल सम, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं हो सकता है, इसका देखेंगे 5 2 7 1 8, ठीक है, ये 8 है डिजिटल सम, ये हो सकता है, लास्ट ऑप्शन देखना पड़ेगा, इसका डिजिटल सम कितना है, 3 1 4 5 9, इसका डिजिटल सम 9 है, जो कि नहीं होने वाला, सिंगल ऑप्शन है, तो आप इसको डिजिटल सम से निकाल सकते हैं। अगर डिजिटल सम से सॉल्व नहीं हुआ, बहुत से कैंडिडेट ऐसा मैसेज करेंगे जिसे डिजिटली सम से सॉल्व नहीं हुआ, देन हम क्या करते हैं, अगर डिजिटल सम से सॉल्व नहीं होगा तो देन हम क्या करेंगे, 14 का टेबल के अकॉर्डिंग, 14 में क्या छुपा हुआ है, 7 छुपा हुआ है, तो 7 का मल्टीप्लाई हम देख सकते हैं, जो ऑप्शन है हम उसे बना सकते हैं। तो आप इस क्वेश्चन को ऐसे बनाइएगा तो क्वेश्चन ज्यादा आसान आपसे बन जाएगा। तो ये सॉल्यूशन कैसा लगा आपको, नीचे कमेंट में बताइएगा, और हम चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, वो क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन दिया गया है कि एक पंखा 4% की हानि पे बेचा जाता है, एक पंखा जो है वो कितने परसेंट की, 4% का हानि होता है, हानि पर 2600 रुपये में बेचा जाता है, यदि इसे 4200 में बेचा जाता तो कितना लाभ होता, लाभ कितना होता या हानि कितना होता, वो आपसे पूछा गया है, ठीक है। एक पंखा जो है, पंखा जो बड़ा है, पंखा का बेसिक कुल कितना था, 100 था, 100 में उस पंखे को बेचा कितना गया, 4% का लॉस पे बेचा गया, 4% का लॉस हो गया, मतलब उस पंखे को बेचा गया कितना में, उस पंखे का मूल्य का 96% में बेचा गया, तो और ये बेचा एक्चुअली कितना में गया, एक्चुअली बेचा गया ये 3600 में, ठीक है। तो आपसे पूछा गया 4200 में, इसी पंखे को जब हम 4200 में सेल करते हैं तो हमको क्या होगा, प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा। तो हम इस क्वेश्चन को ऐसे बनाएंगे कि हम लिखेंगे 96 जो है वो आपका 3600 का वैल्यू है, और आपसे पूछा गया है 4200 में बेचेंगे तो क्या आएगा, अगर 100 से ज्यादा है, 100 से जितना ज्यादा आएगा वही उसका बेनिफिट हो जाएगा। इसको आप डिजिटली से हमसे सॉल्व नहीं कर सकते हैं, पहला बात, ठीक है, इसको आपको काटना ही पड़ेगा। इसको काट के देखते हैं, 2 शून्य से 2 शून्य उड़ा दिए, यहाँ पे 6 6 6 36 और 6 7 42, ठीक है, 6 से काटेंगे 16 6 96 होता है। अब 16 को 7 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 7 112 होता है। 112 का मतलब क्या है, 112 का मतलब क्या है, 100 प्लस 12%, ये 12% क्या है, यही 12% हमारा लाभ है, यही 12% हमारा लाभ है जो कि प्रॉफिट होने वाला है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 12% का प्रॉफिट, जो कि आपका ऑप्शन बी हो जाता है, 12% का प्रॉफिट होगा इस कंप्लीट पंखे को सेल करने में 4200 में। होप्स आपको ये वीडियो पसंद आया हो, तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, वो क्वेश्चन है, आप इस सॉल्यूशन को भी नोट कीजिएगा, क्योंकि जितना ज्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा आपके लिए उतना आसान होगा क्वेश्चन को बनाना। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, 8% साधारण ब्याज की दर से कोई अमाउंट है जो 2.5 सालों में कितना हो जाता है, 300 हो जाता है, तो इन्वेस्टमेंट अमाउंट कितना हुआ आपसे पूछा गया है, ठीक है। यह हुआ क्या है कि 8% का 8% का इंटरेस्ट रेट है, कितने साल के लिए, 2.5 सालों के लिए, तो हमारा अमाउंट इंटरेस्ट रेट कितना मिलता है, इंटरेस्ट जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 20। ये क्या है, इंटरेस्ट है, सिंपल इंटरेस्ट है, ठीक है, ये अनुपात में है, ये यूनिट में है, 20 यूनिट हमको सिंपल इंटरेस्ट मिल रहा है, ठीक है। तो टोटल अमाउंट रिटर्न कितना होगा, अमाउंट होता है, अमाउंट रिटर्न होता है, 100% कहीं इन्वेस्ट करेंगे तो 100 तो मिलेगा ही, प्लस इसके साथ 20% भी मिलेगा, तो अमाउंट हमको रिटर्न कितना होगा, 120 अमाउंट रिटर्न होगा। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना रिटर्न हुआ है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 300 रिटर्न हुआ है, 120 होने वाला था बट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 300 हुआ। तो कहने का मतलब है, उसको कैसे बनाएंगे, 300 जो है, 120 का वैल्यू है, आपसे 100 का वैल्यू पूछा गया है, क्योंकि सम इन्वेस्टमेंट होता है 100, 100 का वैल्यू पूछा गया है आपको, आप बस इसको काट लीजिए, 20 से काटिए इसको, इसको भी 20 से काटिए, अब इसको 5 से काटिए, या गया 50 आ गया, आप 50 को 5 से मल्टीप्लाई कीजिए, 250 आ गया, ये 250 रुपीज जो अमाउंट है वो इन्वेस्टमेंट अमाउंट था, 250 का है ऑप्शन सभी में, तो 250 जो है आपने इन्वेस्टमेंट अमाउंट है। इस क्वेश्चन को ऐसे बनाना है, जो वैल्यू दिया उसके अकॉर्डिंग 100% इन्वेस्टमेंट अमाउंट होता है। तो इस क्वेश्चन को आप ऐसे बनाइएगा, आंसर बी होने वाला है, 250 रुपये। देखिए, एलपी टेक्नीशियन 14/8/2018 को आया शिफ्ट
टू में आया हुआ है, तो इस क्वेश्चन को ऐसे बनाएगा जो कि आपके लिए आसान होगा। तो अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपके पास अनुपात का ऐसा क्वेश्चन दिया जाए जिसमें ए के साथ बी का अनुपात, बी के साथ सी का अनुपात और सी के साथ डी का अनुपात, कभी भी लंबा अनुपात दिया जाए आपसे, उसी किसी टर्म के बीच का अनुपात पूछ दिया जाए, इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व नहीं करना है, इस क्वेश्चन को आप ऑप्शन से लगाइएगा, ठीक है। ऑप्शन से कैसे लगाइएगा वो हम चलिए देखते हैं, ठीक है। पहले मैं समझाऊंगा उसके बाद मैं बताऊंगा ऑप्शन से कैसे इसको बनाते हैं, ठीक है। पहले क्या है, ए से बी का जो अनुपात है वो 3:8 है, ठीक है। बी से सी का जो अनुपात है 6:13 है। अब देखिए यहां पे देखने वाली बात है कि ए से बी का अनुपात जो है 3:8 है, तो सभी ऑप्शन में ए से बी का अनुपात 3:8 ही होना चाहिए। पहला बात इसका हम देखते हैं ए से बी का अनुपात कितना है, यह है ए से बी का अनुपात 3:48, 3 से जब काटेंगे तो कट जाएगा, मतलब 12 टाइम। इसका अनुपात ए से बी कितना होगा, 1:12, जबकि 1 ए से बी का अनुपात कितना होना चाहिए 3:8, ये ऑप्शन नहीं होने वाला है, ठीक है। देखिए ये है ए से बी का अनुपात कितना है 3:8, ये हो सकता है, ये माइट भी चांसेस है कि हो। ये जो है ऑप्शन डी में चलेंगे, ऑप्शन डी में क्या है 3:6 है, मतलब क्या है 1:2 है, जबकि क्या आना चाहिए 3:8 होना चाहिए, मतलब ये भी ऑप्शन नहीं होगा। दो ऑप्शन तो काट दी, ए और डी नहीं होगा। अब बी और सी में चेक करना है कौन सा होगा, बी में सी में देखते हैं पहले। सी में क्या है, ये भी है 3:8, ये भी 3:8 है, ये भी हो सकता है, दो हो सकता है। अब हम चेक करते हैं बी से सी का अनुपात, बी से सी का अनुपात कितना है 6:13। अब देखिए 6:13 यहां से 8 में 6 है ही नहीं, तो 6:13 हो ही नहीं सकता है, इसलिए ऑप्शन बी भी नहीं होगा, ओनली ऑप्शन बचा ऑप्शन सी। आप इस क्वेश्चन को ऐसे बनाइएगा, ऑप्शन सी इसका कंप्लीट आंसर होने वाला है, आप इसको देख भी सकते हैं। 9:24:52 जब इसको काटेंगे तो कितना अनुपात आने, ए से बी का अनुपात 8 आने वाला है, और हम देखेंगे बी से सी का अनुपात 24:52 का अनुपात हम देखेंगे तो कितना आने वाला, 6:13, 4 से काटेंगे 6:13, ये ऑप्शन सर्टिफाई कर 6:13। आप इस क्वेश्चन को ऐसे बनाइएगा जो कि काफी अच्छा सोल्यूशन, आप सेकंड 1-2 सेकंड 3 सेकंड बहुत है ऐसा वाला कि आप देखते ही बना दीजिएगा ये वाला होने वाला है, ठीक है। इसको आप सॉल्व मत कीजिएगा, टाइम वेस्ट मत कीजिएगा इस क्वेश्चन को बनाने में। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, वो क्वेश्चन है नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है आपका, देखिएगा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है, चार संख्या है ए बी सी डी, इस प्रकार है कि उनका औसत जो है, उनका औसत कितना दिया है 16 दिया, उनका औसत कितना है 16 दिया हुआ है, साथ में ए से बी का औसत भी दिया जो कि 9.5 है, आपसे पूछ गया बी से डी का, सी और डी का औसत क्या होने वाला है। तो हम इस क्वेश्चन को उसी अकॉर्डिंग बनाएंगे, बेसिक मेथड से बनाएंगे। इसमें बोला गया है ए है, बी है, सी है, साथ में डी है, इनका औसत जो है 16 दिया हुआ है। औसत का मतलब क्या होता है कि 16 औसत है जब, तो प्रत्येक संख्या 16 ही होगी, 16 ही हम मान के चलते हैं, प्रत्येक संख्या 16, तो इनका औसत 16 होगा, तो प्रत्येक संख्या कितना है 16 16 16 16, तो टोटल संख्या कितना होगा 4 × 16, जो कि आपका हो जाएगा 16 × 64 टोटल सम है ए बी सी डी, सबका सम कितना 64 है, साथ में ए से बी का सम कितना है, ए से बी का सम औसत दिया 9.2, दो संख्या दो से मल्टीप्लाई की, इनका सम कितना है 19 है, ठीक है। अब क्या है, 64 में से 19 को हम घटाएंगे तो हमारा क्या निकलेगा, सी से डी का सम, सी से डी का सम निकलेगा, तो कितना आएगा, 64 में से 20 घटाएंगे तो 44 आने वाला है, बट ये 19 है, एक बढ़ जाएगा, मतलब 45 आएगा। सी और डी का सम, सी से डी का सम कितना है 45 आएगा, जब इनका औसत निकालना होगा तो दो से हम डिवाइड देंगे, 45 को जब दो से डिवाइड देंगे तो आंसर क्या आने वाला है 22.5, इसका आंसर होने वाला है, जो कि ऑप्शन डी में दिया हुआ 22.5। इस क्वेश्चन को आप ऐसे बनाएगा आपके लिए आसान होगा, 22.5 इसका आंसर होने वाला है। तो अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, वो क्वेश्चन है नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन दिया गया है आपका, अगेन औसत का ही क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को हम कैसे बनाएंगे वो देखिए, आप क्वेश्चन को पढ़िए
हम चलते हैं इस क्वेश्चन पे। इन क्वेश्चन पे देखिए आप बनाइए कैसे, पहले क्वेश्चन देखिए उसके बाद आप खुद का सॉल्यूशन बनाइए बनाइएगा, उसके बाद इस वीडियो को आगे कंटिन्यू कीजिएगा, ठीक है। पांच विषय दिया हुआ है, पांच विषय में अमित अमित ने प्राप्तांकों का औसत कितना है, 72 है। तीन विषय का औसत दिया हुआ है जो कि आपके पास दिया हुआ 70, तो आपके पूछा गया है कि शीर्ष का क्या होगा औसत। देखिए जब पांच विषय का औसत उसके पास दिया हुआ 72, तो पांच विषय का सम कितना होगा, पांच विषय का सम होगा कितना, 360, ठीक है। साथ में तीन विषय का औसत जो दिया हुआ वो आपका दिया हुआ है 70, तीन विषय का सम कितना होगा, 210। जब इन घटा देंगे तो क्या निकलेगा, दो विषय का सम, दो विषय का सम निकलेगा यहाँ पे, ठीक है। दो विषय का सम कितना आने वाला, घटाएंगे तो इसका आने वाला है 150। दो विषय का सम 150 से जब इनका औसत पूछा जाए, दो से डिवाइड करके क्या आ जाएगा, 75। इसका औसत कितना होने वाला है, 75, जो कि अगेन ऑप्शन बी में दिया हुआ है 75। आप इस क्वेश्चन को ऐसे बनाइएगा, औसत को घटा दीजिएगा, रिमेनिंग औसत निकलेगा, संख्या निकलेगा उनमें जब डिवाइड किए तो औसत में आ जाएगा, तो इस क्वेश्चन को ऐसे बनाइएगा। तो अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, वो आप क्वेश्चन आ गया आपके पास टैंक वाला, टैंक वाले क्वेश्चन को हम चले देखते हैं। टैंक वाले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, टैंक वाले क्वेश्चन में दिया गया है एक टंकी को 9 घंटे में भरा जा सकता है, एक छिद्र की वजह से उसे 10 घंटे का समय लगता है, कितने समय में वह छिद्र अकेले पूरी टंकी को खाली कर देगा। देखिए एक टंकी को 9 घंटे में कंप्लीट भरा जा सकता है। मान लेते हैं कि जो फिल करने वाला टैंक है वो ए है, ए क्या है, फिल करने वाला टैंक, इसलिए हम प्लस से इसको लिखे हैं। ए जो है 9 घंटे में टैंक को फिल कर देती है और एक छिद्र की वजह से उसे भरने में 10 घंटे का समय लगता है, ये तो फिल करने का है। साथ में बी जो है वो खाली करने का टैंक है, दोनों जब चालू होता है तो टंकी को भरने में कितना समय लगता है, 10 घंटे लगता है। तो हम इसका निकालते हैं टोटल टंकी का कैपेसिटी कितना है, जब हम इसका एलसीएम लेंगे टोटल टंकी का कैपेसिटी है 90, तो 90 क्या निकला है, टोटल टंकी की कैपेसिटी निकला ए का। तो हम निकालते हैं कि एक कितना, एक एक घंटे में एक कितना फिल कर पाता है, इफिशियंसी हम बोलते हैं इसको, इफिशियंसी निकालेंगे, ए का इफिशियंसी 10 आ गया, ए प्लस बी का इफिशियंसी 9 है, ठीक है। तो हम देखिए क्या लिया हुआ है, ए प्लस बी इक्वल टू 9, जिसमें कि जो बी है वो माइनस में है, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं ए माइनस बी इक्वल टू 9, जिसमें ए का वैल्यू 10 दिया हुआ है, बी का वैल्यू हमको निकालना है, तो हम यहाँ क्या कर दिए 9, तो बी का वैल्यू क्या आ गया आपके पास, 10 में से 9 गया तो 1 बचा, 1 क्या आ गया, बी का इफिशियंसी आ गया, बी का इफिशियंसी आ गया। तो टोटल टैंक का कैपेसिटी कितना है, बी जब इसको खाली करेगा कंप्लीट, टोटल टैंक का कैपेसिटी है 90, एक से खाली करेगा तो कितना टाइम लगेगा, 90 घंटा इसको लग जाएगा फिल करने में, जो कि ऑप्शन बी होने वाला है 90 घंटा। तो आप इस क्वेश्चन को ऐसे बनाइएगा, इसको कंप्लीट फिल कर खाली करने में 90 घंटे का समय लगेगा, तो आप इसको बनाइएगा 90 घंटे का समय लगेगा। तो आप चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए एक एक क्या है, एक इम्पॉर्टेंट मैं बता देता हूँ, अनाउंसमेंट है, अनाउंसमेंट ये है कि शिवम क्लासेस धनबाद पे जो एप्लीकेशन है, वो एप्लीकेशन पे सेम इसी टाइप के जैसा मैं क्लास आप लोग देख लेते हैं, आज शाम को इसी टॉपिक से 5 से 10 क्वेश्चन आपको शिवम क्लासेस धनबाद पे फ्री में ट्रेलर मिल जाएंगे, आप लगा के देखिए उस क्वेश्चन को, क्योंकि वैसे आप क्वेश्चन जब सॉल्व कीजिएगा तो आपका हेल्प होगा, और आप क्वेश्चन को देख लीजिएगा आप इसी मेथड से बना पाते हैं या नहीं बना पाते हैं, और जैसा होगा कमेंट में बताइएगा। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, वो फिजिक क्वेश्चन जो है वो दिया गया है, टैंक का ही दिया गया है, बोला गया है एक खाली पुल को भरने के लिए दो नल है, 10 मिनट और 15 मिनट लेते हैं, पहला नल 4 मिनट के लिए खुला था, जिसके बाद उसे उसका काम बंद हो गया, पुल भरने के लिए दूसरा नल को कितना समय लगेगा। देखिए पहला नल जो है, पहला नल ए, हम पहला नल को क्या मानते हैं, ए मानते हैं, ए जो है उस टैंक को 10 मिनट में फिल कर सकता है, बी जो है उसी नल को 15 मिनट में फिल कर सकता है। जब हम इसका इफिशियंसी निकालते हैं, टोटल कैपेसिटी निकालेंगे, नल का टोटल टैंक का कैपेसिटी है 30, ए का इफिशियंसी कितना आ गया, 3 आ गया, बी का इफिशियंसी 2 आ गया,
ठीक है, तो ये क्या निकला उनका, इफिशियंसी निकला। और साथ में बोला गया पहला नल जो है ये 3 एफिशिएंसी वाला, वो 4 मिनट के लिए खुला जाता है, तो 4 मिनट में कितना फिल रहेगा, 4 मिनट में 12 यूनिट फिल कर देगा। ठीक है, बचेगा कितना, इन दोनों में बचेगा कितना, 18 यूनिट। इसी 18 यूनिट को कौन फिल करेगा, दो टैंक बी को फिल करना है, क्योंकि दूसरा पहला तो बंद कर दिया गया, तो उससे फिल करेंगे तो कितना टाइम लगेगा, 9 मिनट का समय लगेगा। तो 9 मिनट ऐसा होने वाला, 9 मिनट पढ़ना, ऑप्शन सी में 9 मिनट है, 9 मिनट इसका आंसर होने वाला 9 मिनट। अब इस क्वेश्चन को ऐसे बनाएगा, अच्छा लगेगा आपको, सोल्यूशन अच्छा है। अब मतलब 10 से 20 सेकंड, 30 सेकंड में इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, वो क्वेश्चन है नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये थोड़ा सा न्यू है, तो इस वजह से उतना फाइनल नहीं हो पाए, जैसे जैसे क्लास चलेगा तो आपको थोड़ा सा राइटिंग में अच्छा देखने को मिलेगा। ठीक है, एक छात्र है जो 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है, वो अपनी चाल को बढ़ाकर 6 किलोमीटर प्रति घंटा कर लेता है, वो स्कूल कितने मिनट, 20 मिनट लेट से पहुंचता है। काफी अच्छा टाइम स्कूल डिस्टेंस का क्वेश्चन, काफी अच्छा सा इस टाइप का क्वेश्चन आता है, एलपी में भी एलपी का ही क्वेश्चन है, ऐसा नहीं लिखे इसमें मिस्टेक हो गया तो आप सोचेंगे इसका क्वेश्चन है, ये भी एलपी एंड टेक्निशियन का क्वेश्चन है, जिसे शिफ्ट का होगा लिखना, बाय द वे मैं भूल गया। तो चलिए देखते हैं, पहले जो स्पीड जो है, स्पीड का अनुपात क्या होगा, स्पीड पहले कितना है, पहले 5 है, बाद में उसका स्पीड कितना हो गया, 6 हो गया। तो टाइम क्या होता है, टाइम जस्ट इसका उल्टा होता है, पहले 6 टाइम लगा था, अब इसका टाइम कितना लगा, 5 लगा। तो अब टाइम कम कम हो गया, तो कितना कितना मिनट, 1 कम हुआ, 1 कम होने के बदले तो जल्दी पहुंच जाएगा, 20 मिनट जल्दी पहुंचा। तो का वैल्यू है, तो हम इससे जब कहेंगे 6 से 20 को लिखना जाएगा 120 मिनट। 120 मिनट का मतलब क्या है, 2 घंटा। 120 मिनट का मतलब 2 घंटा है। और आपसे यही पूछा गया है डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम होता है, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। स्पीड अगर हमारा 5 है, टाइम 2 घंटा निकला अभी, तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 किलोमीटर इसका क्या निकल जाएगा, डिस्टेंस निकल जाएगा 10 किलोमीटर, ऑप्शन डी में है। तो आप इस क्वेश्चन को अनुपात वाले मेथड से बनाइएगा, आप जल्दी बन जाएगा, तो सबसे बेस्ट सॉल्यूशन अनुपात मेथड से इसका है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सॉल्यूशन आप लिखिएगा, जैसे जैसे सेशन चलेगा तो ये इसका मैं एक्चुअली मैं सोच रहा हूँ कि इसका सॉल्यूशन वाला वीडियो ना दूँ, पीडीएफ ना दूँ आपको, ऐसे ही ब्लैंक पीडीएफ दूँ, आप इसका सॉल्यूशन बनाइएगा, और नहीं तो आप इसका बुक में ये देख सकते हैं, यूट्यूब पे लिंक भी नीचे होगा, आप वहां से ही इसका सॉल्यूशन देख सकते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है, 145 मीटर लंबी एक ट्रेन है किसी 655 मीटर पुल को 36 सेकंड में पार कर लेती है, ट्रेन की गति क्या है। देखिए जब भी कोई एक ट्रेन होता है वो किसी पुल को पार करे, पुल का भी लेंथ है, ट्रेन का भी लेंथ है, तो दोनों का लेंथ सम हो जाता है। ठीक है, तो दोनों का लेंथ सम हम कहते हैं, तो 145 मीटर ट्रेन का लंबाई है, 655 मीटर पुल का लंबाई है, दोनों को हम जब सम करेंगे तो कितना आने वाला है, 800 आ गया आपका, 800 आ गया टोटल लेंथ। इसी 800 को पार करने में 36 सेकंड का समय लेती है, स्पीड निकाला है, तो देखिए 800 मीटर को पार करने में 36 का समय लिया, ये मीटर प्रति सेकंड में है, वो किलोमीटर प्रति घंटा में जानता, 18/5 से मल्टीप्लाई कराएंगे, 18 36 और 5 × 10 100 काट दिए, तो आंसर क्या आ गया, 80। 80 ये क्या निकला, किलोमीटर प्रति घंटा में निकला, 80 किलोमीटर प्रति घंटा, जो कि आपका ऑप्शन सी में दिया हुआ 80 किलोमीटर प्रति घंटा। आप इस क्वेश्चन को ऐसे बनाइएगा, दोनों डिस्टेंस को ऐड कीजिएगा, टाइम से डिवाइड कीजिएगा, तभी आपका क्या निकलेगा, स्पीड निकलेगा। स्पीड इक्वल टू क्या होता है, ऐसा क्यों लिखे हैं, क्योंकि स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम होता है। तो आप इस क्वेश्चन को ऐसे बनाइएगा जो कि आपके लिए आसान होगा। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है अगेन ट्रेन का ही क्वेश्चन है। उस क्वेश्चन में बोला गया, इस क्वेश्चन में कि 2000 मीटर की डिस्टेंस पे दो ट्रेन दूसरे के ऊपर बढ़ने लगती है, पहली ट्रेन स्पीड है वो दिया हुआ है 20 मीटर प्रति सेकंड, दूसरी ट्रेन 21 मीटर प्रति सेकंड, तो दोनों कितने टाइम के बाद मिल जाएगा। देखिए दो ट्रेन है, दो ट्रेन के बीच का डिस्टेंस कितना है, इसके बीच का डिस्टेंस दिया हुआ है जो कि आपका दिया हुआ है 2000 मीटर। 2000 मीटर यहाँ से यहाँ डिस्टेंस दिया है, एक ट्रेन यहाँ से चलती है जिसका स्पीड दिया हुआ है 20 मीटर प्रति मिनट,
एक ट्रेन है जो इस साइड से चलती है, जिसका स्पीड दिया हुआ है 30 मिनट 5 मिनट। तो देखिए जब ये दिया हुआ है, जब भी ट्रेन ऑपोजिट से आती है, या आप लिख सकते हैं ऑपोजिट से आएगी तो स्पीड जो है स्पीड सम हो जाएगा, स्पीड जुड़ जाएगा। और जब ट्रेन का डायरेक्शन सेम होगा तो स्पीड क्या होगा, स्पीड घट जाएगा, स्पीड घट जाएगा। तो आप इस देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ऑपोजिट है, दोनों ट्रेन एक दूसरे को ऑपोजिट आया, ठीक है। जब भी ऑपोजिट आएगा तो क्या होगा, स्पीड सम हो जाएगा, जुड़ जाएगा, स्पीड को हम जोड़ देते हैं। तो टोटल स्पीड कितना हो जाएगा इसका, इसका हो जाएगा 20 मीटर और 30 मीटर, टोटल 50 मीटर प्रति मिनट इसका स्पीड हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे हमको क्या निकालना, टाइम निकालना। टाइम इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस बाई स्पीड। डिस्टेंस कितना दिया है 2000, और साथ में आपका जो स्पीड है वो दिया हुआ 50, मैंने निकाला यहाँ पे। उसको डिवाइड करेंगे तो कितना लगेगा, 40, 40 सेकेंड में ये कोई दूसरे को पार कर लेगी, 40 सेकेंड। ऑप्शन ए में दिया हुआ 40 सेकेंड। आप इस क्वेश्चन को ऐसे बनाइएगा, ऑपोजिट में स्पीड सम होता है और सेम में स्पीड घट जाता है। तो अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है आपका, आवाज क्लियर है सब कुछ बताइएगा, लाइव क्लास भी होगी आपकी। सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसे दुगुना करने पर वह 7, 7, 12 और 15 से पूर्णतः विभाज्य हो गया। देखिए किसी संख्या को दुगुना करने पे वो डिवाइड, वो इसे डिवाइड हो जाने चाहिए। इसी क्वेश्चन को भी आप नंबर सिस्टम के भी लगभग क्वेश्चन आप ऑप्शन से लगा सकते हैं, जैसे यही क्वेश्चन ऑप्शन से कैसे कीजिएगा। इस संख्या का दुगुना जो है वो 7, 12, 15 से डिवाइड है, तो संख्या का दुगुना कितना होगा, 440। इस संख्या का दुगुना कितना होगा, 424। 424 इस संख्या का दुगुना होने वाला, ठीक है। तो इन संख्या का दुगुना कितना है, 440। इस संख्या का दुगुना कितना हो गया, इस संख्या का दुगुना हो गया 428। अब इस संख्या का दुगुना कितना हो गया, 430। इस संख्या का दुगुना कितना हो गया, 420। अब देखना है कौन 7, 12 और 15 का मतलब क्या बोलते हैं फैक्टर है। अब देखिए यहाँ पे 7, 15 और इसका मल्टीप्लाई होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम किसका किसका चेक करेंगे, पहले देखेंगे 3 से, 3 सबसे, 3 12 में भी कॉमन है, 15 में 3 से कौन कट रहा है, 4, 3, 7 ही नहीं कट रहा, 3 ये नहीं कट रहा, 4, 2, 6 है, 4, 4, 8 ये नहीं कट रहा, ये देखते हैं 10, 14 तो ऑप्शन बहुत आसान है, 4, 210 ही होगा, 210 ही है जो 3 से कट रहा, यही आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। और कोई भी ऑप्शन नहीं होने वाला है, ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। तो काफी आसान क्वेश्चन था, तो आप देख लीजिए इस क्वेश्चन को। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, वो क्वेश्चन इस टाइप के क्वेश्चन को बनाने के लिए मैंने पहले भी बताया आपको, इस क्वेश्चन को आप कैसे बनाएगा, एक बार मैं फिर से बता देता इस क्वेश्चन को आप कैसे बनाएगा। देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है 6561, 6561 का क्या लेना है, रूट लेना। आप इसका कोई मेथड मत लिया कीजिए, ऑप्शन वैसा देता है कि ऑप्शन से सॉल्व कर सकते हैं। इसे नजदीक का कौन सा है, 6561 के नजदीक क्या है, 6400। 6400 का क्या होता है, 80। और ये क्या है, 6400 से ज्यादा है तो 80 से ये ज्यादा होगा, 80 से ज्यादा और 80 से कम वाला तो आंसर नहीं होगा, तो नहीं है। अब 89 बच गया और 81 बच गया। 89 जो है वो 90 के आसपास है, और 90 का जो है स्क्वायर कितना होता है, 81 होता है 90 का। 89 का मे भी हो सकता है कि 7700 से ऊपर हो, ठीक है, या 8000 के लगभग होगा। ये 6500 8000 से काफी छोटा है, तो आपका इसका जो है 89 का भी नहीं होगा, 81 का ही होगा। आप इसको ऑप्शन से बना सकते हैं, ठीक है, 81 का स्क्वायर होगा। आप ये समझ पाए या नहीं समझ पाए कमेंट में बताइएगा, नहीं समझ पाए तो एक दो और स्क्वायर रूट का मैं बता दूंगा, आप इसको इजीली बना पाएगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, वो क्वेश्चन है, आई थिंक ये लास्ट क्वेश्चन है इसका, नहीं नहीं इसके बाद भी क्वेश्चन है, क्वेश्चन है इसके बाद। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, इसका बेसिकली बस मान निकाला, तो आप इसको ऐसे लिखेगा 225 कितना है, 15 का, यहाँ 50 लिख दिए, जब 50 हम ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 289। 289 किसका है,
289 है 17 का सप्ताह हो गया, सप्ताह में 32वां सप्ताह जो डे कितना आ गया 49 हो गया, 49 49 किसका 7 का, जब 7 में 93 में 7 जोड़े कितना आ गया 100 आ गया, 100 किसका है रूट 10 का, तो अब 10 इसका आंसर होने वाला है 10। अब इस क्वेश्चन को देख लीजिएगा ऐसे बनेगा, इसको बस लेफ्ट साइड से जोड़ते चलिएगा और यहाँ पे ऐड करते चलिएगा, 93 में 7 जब जोड़ेंगे ये हो जाएगा 100, 100 का आपसे पूछा गया है 100 का रूट कितना होगा 10। अब इस क्वेश्चन को ऐसे बना सकते हैं, ये बन जाएगा। तो अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है कि सेक 30 प्लस cos 30 का वैल्यू आपसे पूछा गया है, cos 30 का ही उल्टा होता है sec 30, आप इसको वैल्यू पुट भी कर सकते हैं या फिर आप ऐसे ही, पहले तो cos 30 का कितना होता है, cos 30 का मान कितना होता है, cos 30 का होता है रूट 3/2, तो sec 30 का कितना होगा 2/√3, इसका कितना होता है रूट 3/2। ठीक है, उसके बाद हम जब इसको सॉल्व करते हैं तो कैसे सॉल्व करेंगे, नीचे आएगा 2√3 और ऊपर में क्या आ जाएगा 4 3 7, ऊपर में 7 आने वाला है, नीचे आ गया 2√3। अब हम इसको रेशनलाइज कर देंगे 2√3, ठीक है, रूट तीन से हम ऊपर नीचे दोनों साइड गुना कर देंगे रूट तीन से, जब हम काम करते हैं ना तो ऊपर में आता है कितना 7√3, नीचे आ जाएगा 6, तो 7√3 6 आंसर होने वाला है, जो कि आपका ऑप्शन सी में लिखा हुआ है 7√2। अब देखिए एक बात ध्यान देगा, पर्सनलाइज करने में सिर्फ रूट का होता है ना कि इन संख्याओं का, तो इन बातों का आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पे लोग अक्सर मिस्टेक करते हैं, इसका आंसर होने वाला 7√3/6, तो ये ऑप्शन सी होने वाला है। अब इस क्वेश्चन को एक बार देख लीजिए, खुद से बनाइएगा, ठीक है, और सही क्वेश्चन आपको सिवम क्लासेस हमारे एप्लीकेशन पे मिल जाएगा, तो वहां से भी आप बना सकते हैं। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, हाँ ये लास्ट क्वेश्चन है जी, तो अब है ये लास्ट क्वेश्चन है, देखिए इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, दिया गया है एक बिंदु है -4 7 और एक बिंदु है 2 3। देखिए ज्योमेट्री का ये क्वेश्चन आएगा आपका, एक लाइन है, क्या बोला है, एक लाइन है जिसका दिया हुआ है 4 से 7 माइनस में, और साथ में इस एंड का दिया हुआ 2 से 3। मिड पॉइंट आपसे पूछा गया है, मिड पॉइंट स्वयं क्या होता है, मिड होता है x1 + x2 / 2 और y1 + y2 / 2 होता है आपका मिड पॉइंट। तो अब देखिए x1 कितना है -4, x2 कितना है 2 है डिवाइडेड बाई 2, तो कितना आ गया -2 / 2 - 1। अब देखिए पहले आप चेक कीजिएगा ये करने के बाद कि -1 क्या, एक ही ऑप्शन में पूरा कंप्लीट सॉल्व मत कीजिएगा, -1 आना चाहिए एक्स की जगह, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें 1 है, -1 होना चाहिए, सिर्फ ऑप्शन बी में है -1। हम आगे क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करेंगे, हम इसी तरह से समय बचाएंगे, जो समय आपका जो हार्ड क्वेश्चन होगा उसमें हम देने के लिए, ठीक है, तो आप इस सबका स्क्रीन शॉट ले सकते हैं, नहीं तो आप नोट कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं, अब आई थिंक ये लास्ट सेशन है, तो आपको ये कंप्लीट वीडियो कैसा लगा ये नीचे कमेंट में बताइएगा, और ये इसी टाइप का वीडियो आपका कंटिन्यू आएगा, और साथ में जो कंप्लीट सीट है मैं टेलीग्राम चैनल सिवम क्लासेस धनबाद के टेलीग्राम चैनल पर मैं सेंड कर दूंगा, आप वहां जाके इसी सीट को बना सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्वेश्चंस के लिए आप देख सकते हैं वीडियो को, वीडियो में है सिवम क्लासेस धनबाद एप्लीकेशन के सेक्शन पे, यूट्यूब वाले सेक्शन वहां पे भी आपको मिलेगा और यूट्यूब पे भी मिल जाएगा, आप दोनों जगह से देख सकते हैं, और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट तो कीजिएगा आपको कैसा लगा वीडियो, तो आप वीडियो को यहीं तक रहने देते हैं, इसलिए चलिए थैंक यू।